हेलो मोजी। हेलो सर, कैसे हैं आप? फाइन सर, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू एंड विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर टू आवर क्लैप्टर फैमिली आल्सो। थैंक यू वेरी मच। एंड दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो इन 2020-22। यस यस यस, स्टार्टिंग अ जर्नी विद यू ऑल ओवर। जी ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चन, द नेम ऑफ द कंपनी, वहीं से स्टार्ट करेंगे। और कंपनी का नाम बता दीजिए क्विकली। एम स्क्वायर डिजाइन। जी, वी आर लोकेटेड इन कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल एरिया। And rest everything we had already told you in the previous video. Yeah, okay. Previous video की बात चली है तो quickly बता दें क्या रहा, मतलब लोगों ने कैसा आपको response दिया? Mix सारा response रहा, बहुत अच्छा भी रहा, हर चीज़ किसी भी तरीके से, customer की बहुत curious भी आई, बहुत सी deals भी हुई। जी, हर तरीके का response मिला, that was good overall for me. अच्छा, yeah, ठीक है। एक कमेंट था जिसमें किसी ने बोला था जोमैटो के बारे में कुछ, एंड आई लव द वे यू टुक इट। देखिए अभी भी आप स्माइल कर दिया आपने। यस यस यस, सो उनका भी इंटेंशंस कोई गलत नहीं था, मतलब इट वाज जस्ट नॉट इंटेंशनली टू ह्यूमिलिएट यू और फॉर द ही वाज जस्ट कंपेयरिंग मी विद जोमैटो का सोनू, नॉट टू डिमीन यू। समबडी कंपेयर्ड यू विद जोमैटो, आई होप हिज इंटेंशन वाज गुड, आई थिंक इट वाज बिकॉज़ ही वाज लाफिंग आउट। यस यस यस, एंड आई सीरियसली रिस्पेक्ट योर स्पिरिट, द वे यू टुक इट। थैंक यू, नॉट मेनी पीपल टेक इट सो फुल ऑफ विद सो मच ऑफ स्पिरिट। थैंक यू सर, नॉट दैट स्पिरिट। ऑलराइट, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस नाउ, यू वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपनी पार्ट, सीरियस कॉन्वर्सेशन गोइंग टू स्टार्ट नाउ। यू मेक ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट इट इज रिक्वायर्ड इन अ हाउस और स्पेस। यस सर, राइट। क्या क्या चीज़ें हैं जो बनाते हैं? सोफा सेट्स, बेड, डाइनिंग कैबिनेट्स, सेंटर टेबल्स, एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड इन अ होम। अच्छा, ठीक है। Alright, so हमारा वे ऑफ कॉन्वर्सेशन हैज बिकम लिटिल सीरियस इन लास्ट कपल ऑफ वीडियोज, बिकॉज आई थिंक फर्नीचर इज अ सीरियस बिजनेस, राइट? इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। यस यस, तो ये खास वजह है कि जहाँ पे आपको फर्नीचर को बहुत अप्रोप्रिएटली चूज करना चाहिए, है ना? बहुत सोच समझ के करें। और हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे यहाँ पे, क्विकली ऐड कर देते हैं इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम साथ में देना चाहते हैं, अच्छा लगता है हमको बताने में। लोग जब भी हम देखते हैं, आपके पास भी लोग आते हैं, हमारे पास और भी स्टोर्स में हम देखते हैं, तो एक डिसाइसिव माइंड नहीं होता उनका, उनको दे आर जनरली कंफ्यूज व्हेन इट कम्स टू चूजिंग द राइट काइंड ऑफ फर्नीचर। जी सर, दो क्लैप्टर पे इज ट्राइंग हार्ड कि वो किस तरह से आए, पर ये अच्छा है कि आप अपने डिजाइंस, अपने कलर्स, अपने थॉट प्रोसेस पहले से क्लियर करके आए। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि आप जैसे मोहित जी जैसे लोग हैं वो सही तरह का फर्नीचर आपको दे सके, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कई बार होता क्या है, कस्टमर भी माइंड सेट नहीं होता, तो उस केस में थोड़ा सा हेल्पफुल हम भी हो जाते हैं कि सर आप अपनी रूम की आप स्कीम बताइए, कलर स्कीम बताइए, आपका टेस्ट बताइए, तो अकॉर्डिंगली हम उसको भी फिर मैच करवा सकते हैं। चलिए, ठीक है। ऑल प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल फॉर पैन इंडिया डिलीवरी, ये सभी जानते हैं। जी सर, बिल्कुल सर। अब हम कुछ प्रोडक्ट्स देखना शुरू करेंगे प्लीज़, और जो नई एंट्री की है वो यूनिट्स देखेंगे, और एक रन थ्रू हम लोग जो अवेलेबल है वो भी एक बार लास्ट में हमारे व्यूअर्स को दिखा देंगे। ओके सर, ठीक है। तो हम मुझे स्टार्ट करेंगे बेड से। बिल्कुल सर, कुछ नए बेड्स आए हमारे पास। हाँ जी सर, काफ़ी एक्सक्लूसिव गुड लुकिंग स्मार्ट बेड आए हैं। ओके, जाते वीडियो शुरू होने से पहले ही बता दें वाली बात जो आपने कही थी जी, कि आपने भी इस चीज़ को माना है कि विद टाइम फर्नीचर मैन्युफैक्चरर को अपग्रेड करना चाहिए। अपग्रेड करना बहुत जरूरी है क्वालिटी में, क्वालिटी में, डिजाइनिंग में, हर चीज़ में अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है, बिकॉज कस्टमर खुद, कस्टमर की ही डिमांड आती है कि हम इसमें क्या और इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं सर। कुछ कहते हैं इसको और बेटर बनाइए, कुछ ऐसे भी आता है सर इसको थोड़ा सा लो बजट कीजिए, तो हम लोग अपग्रेड की तरफ जाएंगे, ज़्यादा बेटर लगेगा, खुद ही अपने पर्सनल फीलिंग आ जाएगी कि कुछ अटैचमेंट हमारी भी फर्नीचर के डिजाइनिंग के साथ जुड़ जाती है सर। ठीक बात है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम। yes, ये वाले बेड से। अच्छी सर जी, बेड जितने भी हैं सारे किंग साइज बेड है? जी यस सर, किंग साइज बेड है। ठीक है, अवेलेबल आप जो होते कराते हैं वो 100% लेमिनेशन के साथ होते हैं? नहीं, लेमिनेशन नहीं होता सर, वो ऑन ऑर्डर पे ही हम कस्टमाइज करवाते हैं। ठीक है, अदरवाइज जो भी है अंदर प्रॉपर ड्यूको फिलिंग होती है, ड्यूको पेंटेड होता है सारा का सारा। अच्छा, बड़े तरीके से होता है, ऐसा नहीं है कि रफनेस मिलेगी किसी भी बेड के अंदर। और हाइड्रोलिक आपका मैंडेटरी है, मतलब वो है? वो भी ऑन ऑर्डर है सर, अगर हम हाइड्रोलिक चाहते हैं, साइड हाइड्रोलिक का एक्स्ट्रा चार्जेस है, फ्रंट हाइड्रोलिक अगर हम चाहते हैं तो वो भी अलग है, वो ऑन ऑर्डर है सर सारा। ठीक है, जो अभी हम बता रहे हैं विदाउट हाइड्रोलिक, विदाउट ड्यूको पॉलिश, विदाउट हाइड्रोलिक है और विदाउट लैमिनेट। हाँ सॉरी, विदाउट लैमिनेट, माय मिस्टेक, आई एम सॉरी। जी सर। ऑलराइट, सो ये एक बेड है, यहाँ से फर्स्ट एंट्री है ये। ओके, इसका मुझे स्पेसिफिकेशन दे दें सर। ये किंग साइज बेड है, ऑलमोस्ट 10 फीट का इसका हेडबोर्ड है, 5 फीट हेडबोर्ड की हाइट है। अच्छा, मैट्रेस साइज है 70x75। जी, प्रॉपर स्टेनलेस स्टील का वर्क किया हुआ है इसके साथ, और पीच कलर का इसके अंदर फैब्रिक लगाया हुआ है। बहुत सुंदर बेड है, किसी भी रूम के साथ आप किसी भी रूम को ब्रॉड दिखाना है ऐसा बेड लगाइए, बहुत सुंदर लुक आएगा पूरे बेड का। एग्जैक्टली,
अब क्योंकि ये सी पिंक कलर है इसलिए आपने क्रोम फिनिश में स्टील दिया हुआ है इसमें। यस सर। और अगर आप चाहेंगे कि अगर आप दूसरे टोन्स में जाते हैं, मसलन आप ब्लू में जा रहे हैं, तो आप गोल्ड की तरफ चले गोल्ड भी ले सकते हैं, रोज गोल्ड भी ले सकते हैं सर। अच्छा ठीक है, फैब्रिक का कलर जो है वो डिसाइड करता है कि आपके मेटल किस कलर के होंगे, है ना? यस सर। ठीक है, जनरली मोजी ये एक डिसाइडिंग फैक्टर बनता है बाकी घर के मेटल के लिए भी। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे रोज गोल्ड ले लिया, सॉरी यहाँ पे क्रोम ले लिया जी, तो आपके पूरे घर में फिर आपको क्रोम फिनिश थोड़ा सा फिनिश टच दे देंगे तो वो अच्छा लग जाता है, मैच हो जाता है वो। इसकी साइड टेबल जी, साइड टेबल भी अगर हम इसकी देखेंगे बहुत स्टाइलिश है, जैसा वर्क इसके पीछे हेडबोर्ड पर किया गया वैसा स्टील और फैब्रिक का मैच कर दिया, और थोड़ा सा टच हाई ग्लोस पेंट का दे दिया गया, हाई ग्लोस वाइट का। अच्छा, हमने मेटल यहाँ पे बोर्ड पूरा यूज़ किया है लेकिन हमने हेडबोर्ड पे कहीं पे भी वाइट यूज़ नहीं किया है। वाइट सर इसके साइड से हमने मोल्डिंग की है, एक साइड से अगर आप अच्छा देखेंगे साइड में पूरी मोल्डिंग वाइट हाई ग्लोस पॉलिश्ड है सर ये। अच्छा दिस वन जी सर, और ऊपर टॉप में भी है जी सर, पूरा थ्रो पूरा जितना भी मोल्डिंग वर्क है सारा हाई ग्लोस वाइट पॉलिश किया हुआ सर जी। ठीक है, और अब इससे पहले हम इसका प्राइस पूछेंगे, एक छोटी सी चीज़ और है जो बताते हमारे व्यूअर्स को जी सर, कि इसमें बहुत ज़्यादा मेटल वर्क है जी सर, तो ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न क्रिएट कर रहा है अगर आप देखें, है डेफिनेटली सर। तो अगर आपका बेडरूम थोड़ा सा बोरिंग जा रहा है बाकी चीज़ों से, जैसे कर्टन से ड्रेप्स वगैरह आपके पास हल्के हैं या कारपेट वगैरह नहीं है, तो आप इसको रखें, ये फोकस पॉइंट है। बिल्कुल सर बिल्कुल, है ना, पूरे रूम को फिर वही आ जाता है कि एक बोरिंग को बोरिंग खत्म हो जाएगी रूम की और लुक बहुत अच्छी खिल के आएगी सर। एग्जैक्टली, ठीक है, इसको इसका बस हाइट बता दें पर फिर से मुझे। 5 feet इसकी हाइट है सर हेडबोर्ड की, लेंथ इज 9.5 feet सर। ठीक है, तो जितने भी आप हेडबोर्ड की लेंथ बताते हैं जी, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ साइड टेबल। इंक्लूसिव ऑफ साइड टेबल, यस सर। उसके रखने के लिए जो जगह होंगी आपको स्पेस वहाँ पे, थोड़ा सा कंफर्टेबल स्पेस अगर हम लें, हमें 10 feet की क्लियर वॉल मिल जाए, बहुत अच्छे से हमारा बेड आ जाएगा सर। ठीक है डन, इसका मैचिंग हम एक ऑटोमन भी देख रहे हैं। यस सर, ये ऑटोमन है एंड दैट इज वी कॉल्ड इट ब्लैंकेट बॉक्स। अच्छा जी, क्यों ये है सर? एक नया कंसेप्ट है सर थोड़ा सा, हम ऑटोमन तो हर बेडरूम में ऐड करते ही हैं जी, हमने इसमें एक स्टोरेज पैटर्न भी दे दिया है, ये देखिए सर, विद हाइड्रोलिक लिफ्ट है, इनसाइड पूरा लैमिनेट है। कुछ रेगुलर के हमारे जो ब्लैंकेट्स होते हैं जो हमें डेली यूज़ करने हैं, डेली हम लोग बेड पे नहीं छोड़ सकते, वो हम इसके अंदर रखें और इसको बंद करके एज अ ऑटोमन यूज़ कीजिए सर। ओके, एंड दिस इज ऑल साइड क्विल्टेड सर, अगर आप देखेंगे इसको ये पूरा चारों तरफ से क्विल्टेड है, फ्रंट बैक टॉप चारों तरफ से क्विल्टेड है। अच्छा, ठीक है, क्विकली मैं बता दूं मुझे इसमें क्या अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा कि आपने बोला ब्लैंकेट के लिए, इसके अलावा जो लोग, क्योंकि ये वही रखते हैं जिनके पास जो प्रीमियम लाइफस्टाइल जी रहे हैं, डेफिनेटली वो उनके पास बेड्स होते हैं, बेड कवर्स होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग साइज के कुशंस होते हैं, है ना जी। लेकिन जब आप बेड पर सोने जाते हैं तो आपको बेड कवर उतारना होता है जी, और आपको एक्स्ट्रा कुशन हटाने होते हैं, बेड रनर्स हटाने होते हैं जी, आप फोल्ड करके आप इसके अंदर रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली, यस ठीक है। दूसरा इसकी यूटिलिटी ये है कि एक्स्ट्रा सीटिंग के लिए आप इसको पुल करके, अगर आपके स्कीम में मैच होते हैं जी, ये जब पार्टी वगैरह होती है तो आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आप इसको ले जाके, बिल्कुल सर, कंफर्टेबल 3 persons कैन सीट ऑन दिस, है ना? यस सर। फोर्थ यूटिलिटी, आप भी सोचते होंगे कितना डिटेल देते हैं, मोहित इज लाफिंग एट मी, अच्छा आप मेरा मजाक बना रहे हैं। नहीं सर, बल्कि बहुत अच्छा है, आपसे भी कुछ हमें सीखने को मिलता है, डेफिनेटली ये एक प्लस पॉइंट हमारे लिए भी है। अच्छा सॉरी अगर मैं कुछ ज्यादा बोलता हूँ। नहीं, नहीं नहीं सर, मुझे ये इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि अगर आप इसको ना एज ए टेबल भी यूज कर सकते हैं। ओके, यस यस, वेस्ट में होता है जी, अमेरिका में वेस्ट में लोग क्या करते हैं, ट्रे में लोग सर्विंग करते हैं मोस्टली चाय कॉफी, ओके, तो इसको ना एज ए टेबल भी यूज करते हैं। अगर आप बेड पे बैठे हुए तो यहाँ पे अपने टेबल का ट्रे रख लीजिए जी सर, सरफेस लेवल इसका बिल्कुल हार्ड फोम है, हाई डेंसिटी का फोम लगा हुआ है, इसके ऊपर कोई ट्रे रहेगी तो इम्बैलेंस नहीं होगा, बिल्कुल इस चीज की भी श्योरिटी है। ठीक है, तो ये इसकी यूटिलिटी, और भी कुछ है अब नहीं बताएंगे जी क्योंकि अभी हमारा फिर मजाक बनेगा। इसका प्राइस बता दीजिए मुझे सर। दिस बेड इज फॉर 52,500 इंक्लूसिव द साइड टेबल्स। अच्छा, एंड दिस ऑटोमन इज फॉर 19,500 एंड इन बोथ दिस आइटम वी कैन चेंज द कलर एंड वी कैन चेंज द साइज आल्सो सर। ऑलराइट, एंड ऑल्टरेशन एनी काइंड ऑफ कस्टमाइजेशन मे चेंज द प्राइस, राइट? नो सर, राइट, द प्राइस विल रिमेन द सेम। यस 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 सर, even if you reduce cut down the height of yes, it yes, yes, still yes, yes still even if I cut down the height, why should I be paying more sir? Because the size, standard size of plyboard and everything is 6x3. Okay, if you want a queen size bed then there is no option to buy 6x2.5 feet ply. Oh, okay. We have to purchase 6x3 again, 7x3, and the rest everything is waste. Oh, that's okay. Why the price will remain same. All right, yes. Done, we move on to the next one now. Yes please. From that royal sea pink, there are a couple of basics also, na? Basic beds. Yes, sir. The beige color one, light blue color one. This is the boat.
वन ऑफ द क्लैपर फैमिली मेंबर वाज इंटरेस्टेड इन दिस, ओके, है ना? यस सर, अभी आपने देखा वो कपल जो थे, यस सर, यस, ठीक है। बेड नंबर टू बताइए, ये किस चीज़ में बना है? सर ये सारा प्लाईबोर्ड के अंदर बना हुआ बेड है जी। ये फुल हाइड्रोलिक बेड है, फ्रंट से इसका ओपन करेंगे, इनसाइड पूरा लेमिनेटेड है, और जिस तरह इसका विंग्स पार्ट है आप लुक देखिए, इसके अंदर एक एक स्टिचिंग को प्रॉपर तरीके से देखा गया है, मैनुअली स्टिच्ड है सर ये, बहुत टाइम कंज्यूमिंग जरूर है बट बहुत सुंदर बेड है सर। और बीच के अंदर जो इसका पीस देख रहे हैं दैट इज एम्ब्रॉयडरी पार्ट, वो सारा एम्ब्रॉयडरी किया हुआ सर, लेदर के ऊपर। ये स्वेड लेदर है सर। अच्छा स्वेड लेदर है। यस सर स्वेड लेदर है, ग्रे कलर अगेन विद गोल्डन, बहुत अच्छा है, आई सूदिंग कॉम्बिनेशन है, कंफर्टेबल है हर रूम के लिए, कोई भी वाइट बैकग्राउंड के लिए हो, बहुत सुंदर बेड है सर ये। वेरी नाइस, अच्छा है ये भी। ये थोड़ा सा वो वाला बेड जो है वो जाता है थोड़ा रॉयल फिनिश में, ये जाता है थोड़ा सा ट्रेंडी फिनिश, यस सर, ट्रेंडी लुक होता है ये, ठीक है। इसकी साइड टेबल्स, साइड टेबल्स इसकी फुल कवर्ड साइड टेबल्स है सर। अच्छा, नो ग्लास है, ठीक है। एक बार बस ये बेड का पूरा दिखा दें साइड बोर्ड। अच्छा, यहाँ पूरा जितना भी हमने फैब्रिक यूज किया है, ये सब ये सारा फुल कवर्ड है सारा, जिसको एक फैमिली बनाने के लिए जैसा हेडबोर्ड में क्विल्टिंग का हाफ वर्क है वैसा इसके फुट साइड में और बॉक्स में भी किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे भी दो तरह की क्विल्टिंग हमने की है ताकि एक कलर स्कीम बनी रहे। यस सर, क्या इनमें इस फैब्रिक में थोड़ी कलर की थोड़ी वेरिएशन कम है हमारे पास, ऑप्शंस कम है? नहीं है, हमारे पास ऑलमोस्ट 10-12 कलर स्वेड लेदर के अंदर अवेलेबल है, किसी भी कलर में ये कस्टमाइज किया जा सकता है सर। ठीक है, डन। वी विल चेक आउट सम साइड टेबल्स जरा ऊपर। शुड आई शो यू द हाइड्रोलिक स्टोरेज? या प्लीज डू दैट। या दिस इज फ्रंट हाइड्रोलिक विद फुल लैमिनेट सर, दिस इज द थिंग वी आर आस्किंग फॉर। ओके, इन द फुल हाइड्रोलिक है, सिंगल पीस मैट्रेस भी अगर इसके ऊपर होगा तो कंफर्टेबली कोई इजीली ऑपरेट कर सकता है सारे बेड को। राइट, ओके, एंड दिस कम्स अलोंग विद द वारंटी? यस सर, ओके, 5 इयर्स वारंटी, एप्को कंपनी का हाइड्रोलिक होगा, नॉट कोई लोकल ब्रांड का नहीं है सर, चाइनीज नहीं लगा हुआ है। ठीक है, एंड दिस आर द फुल कवर्ड साइड टेबल। कैन वी सी इट हियर? यहां ऊपर रख के इसको। यस प्लीज। सो वी दिस इज लाइक द प्रीवियस वन, अनलाइक द प्रीवियस वन, दिस हैज गॉट 100% अपहोल्स्ट्री, दिस हैज गॉट 100% लेमिनेशन इनसाइड, and this is got boxes. ये अभी tight बंद किया हुआ है इसको? हाँ, इसका अभी tight बंद है, ये proper ही एक proper एक drawer खुलेगा सर, इसका एक knob missing है इसका अभी। अच्छा, कैसे खुलता है फिर वो जब ये हो जाएगा? knob लगेगा, knob से normal एक pull out लगा होगा। इसका pull out होगा। और close कैसे होगा? soft close होगा? नहीं, normal closing होगा सर इसका। अच्छा, इसमें channel telescopic channel लगा हुआ सर। okay okay, ठीक है, done। ऑल राइट, ये जब ऐसे बन के आते हैं तो या फिर आप असेंबली के जब आप डिलीवर करते हैं तब भी ऐसे फिक्स करके देते हैं ताकि खुल ना जाए? सर नोब हम लोग अंदर लगा के देते हैं इसके। अच्छा, ताकि ये होता है कि ट्रांसपोर्टेशन में एक के साथ एक भिड़ के जाए तो कम से कम एटलीस्ट का फैब्रिक को ना फाड़े या एक दूसरे को ना तोड़े। जैसे अभी लॉक्ड है, अभी जस्ट ये भी आए है तो हम इसका नोब निकालना रह गया इसका। ओके, ठीक है, डन। क्या प्राइस है इसका पूरा विद साइड टेबल? दिस इज फॉर 62,500 इंक्लूडिंग द साइड टेबल। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। यस सर, एंड नाउ बेड नंबर 3। यस सर, ओके, दिस इज द वन। यस सर, जिन लोगों को थोड़ा वाइट बेज इन बस सिंपल पसंद है। यस सर, सर ये पूरा हाई ग्लॉस पीयू पॉलिश के अंदर है, गोल्डन एंड बेज कलर पॉलिश है, ये सारा लेदराइट है। कुछ लोगों की एक हमारी थिंकिंग होती है कि सिर लगाएंगे ऑयल का स्पॉट ना आए, तो ये उस पार्ट को अवॉइड करने के लिए इसमें लेदराइट यूज़ किया हुआ है कि हेड से कोई ऑयल स्पॉट लेदराइट पे आएगा, वॉशेबल है पूरा सर। हाँ, आप कॉलिन वगैरह से भी साफ कर सकते हैं जी। कॉलिन थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है सर, कॉलिन टोटली कास्टिक बेस होता है, हम अवॉइड करते हैं उसको, कॉलिन से क्रश होने के क्रैक होने के ज्यादा चांसेस आ जाते हैं सर। अच्छा, तो नॉर्मल सोप से, सोप वाटर से ज्यादा बेटर है, शैम्पू से कीजिए सर। अच्छा, जो हम नॉर्मल शैम्पू जी सर। अच्छा, ये सारा हाई ग्लोस पीयू पॉलिश है सर, ऑफ वाइट कलर का इसका पॉलिश है और कॉम्बिनेशन क्रीम एंड गोल्ड का दिया गया सर। ठीक है, और ये इसकी साइड टेबल्स अगर आप देखेंगे बहुत सुंदर साइड टेबल है सर इसकी। अरे वाह, जैसा कंसेप्ट बेड पे दिया है सेम डिटो कंसेप्ट हमने साइड टेबल पे इसको कॉपी किया है। वेरी नाइस, ये एक सिमेट्री है दोनों के बीच में मैच किया। यस सर, ठीक है। इसमें वाइट टॉप है, अगर आप चाहें तो आपकी गंदा ना हो तो आप उस पर ग्लास रख सकते हैं। बिल्कुल सर, जी सर, आप बेबलिंग करा के टेपरिंग करा के ग्लास रख लीजिए। यस सर, यस सर, तो ये आपको थोड़ा मेंटेनेंस में और इजी हो जाएगा। इजी हो जाएगा बिल्कुल। अदरवाइज आई लाइक इट द वे इट इज, आई जनरली डोंट यूज ग्लास एंड न्यूज़पेपर एंड ऑल दैट, बट आई लाइक इट द वे इट इज, वेरी नाइस, सिंपल एंड क्यूट, दिस इज वेरी वेरी स्पेस सेविंग। यस सर, बिकॉज दिस डजंट लुक वेरी ह्यूज, राइट? इट्स अ वेरी नाइस सिंपल बेड फॉर अ स्मॉलर कॉम्पैक्ट हाउस। यस सर, how much does it cost? This price is for 48,500 including the side table sir. All right, done. And this does not have hydraulic? This does not have 100% sir. Hydraulic and laminate that are separate included. Sir, yes. Theek hai, we are going to the next one now. Yes sir. All right, so bed number 4. Yes sir. Okay, which one? This one. This one sir. Ye bhi naya hai? Yes sir. Theek hai,
इसमें हमने क्या किया है, क्या डिजाइनिंग किया है सर? आपको थोड़ा सा अगर हम जूम करके देखेंगे जो इसका स्टील का पार्ट है सर, ये ब्लैक कलर है, सारा स्टील लगा हुआ है सर। अच्छा, ये बहुत रेयर कलर है जो स्टील के अंदर मिलता है। ये आपने मेटल में अभी तक देखा होगा, गोल्डन भी देखा होगा, रोज गोल्ड भी देखा होगा, क्रोम फिनिश भी देखा होगा, बट ये ब्लैक स्टील है सर। और जो इसके अंदर ये वाला जो आप बर्फी पैटर्न देख रहे हैं सर, ये भी 3D के अंदर है सर, ये एम्बोज किया हुआ है MDF के अंदर। तो इससे अंदर हर चीज जो है ये प्रॉपर उभर के आ रही है चीज। और कॉम्बिनेशन जो इसके अंदर दे दिया गया है सर, अगेन फिर हाई ग्लोस PU फिनिश के साथ स्टील एंड फैब्रिक का कॉम्बिनेशन बना दिया गया। राइट, I was wondering, same scheme is being followed throughout. Yes, 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 sir. In the side tables. Yes, sir. Okay. और साइड टेबल्स पे जो हैंडल लगे हैं वो भी ब्लैक हैं कि सेम मेटल फिनिश में? सेम ब्लैक फिनिश के अंदर है सर। ओके, मेटल के अंदर है, वो भी सेम ब्लैक कलर का ही है। अच्छा जी सर, ठीक है। दिस इज अ किंग साइज बेड ऑफ कॉन्ट्रास्ट कलर, व्हाइट एंड ग्रे का ही कॉन्ट्रास्ट है। यस सर, दिस इज लाइक बेज एंड ग्रे सर। बेज एंड ग्रे? यस सर। Which one is beige? This color, this is not pure white, sir. Okay. ये सारा का सारा ऑफ व्हाइट कलर है। अच्छा, this is ऑफ व्हाइट and the other one is grey. Yes, sir. Okay. ऑफ व्हाइट एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन है। व्हाइट, ग्रे, बेज, ब्राउन, दीज आर यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन। राइट, सो वी ट्राई टू मेक इट डिफरेंट। ओके, ठीक है, डन। एंड द सेम पैटर्न इज बीइंग फॉलोड ऑन द फुटबोर्ड। यस सर। राइट, यस सर, ठीक है। ये डूको पॉलिश है पूरा? ये सारा हाई ग्लॉस पेंटेड है सर, हाई ग्लॉस PU कोटेड है, उसके ऊपर बफिंग करके प्रॉपर एक स्मूथ फिनिश और शाइन बहुत अच्छा है सर बेड का। ठीक है। यस सर। कितने का है ये? दिस इज फॉर 54,000 इंक्लूसिव द साइड टेबल्स। डन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। यस सर। एंड दिस इज द लास्ट बेड। यस सर। न्यू एंट्री में जो है? न्यू एंट्री में जो है सर। जी बताइए सर। अब अभी तक हम देख रहे थे, ग्रे देखा हमने, क्रीम एंड ग्रे देखा, बेज के साथ ग्रे देखा, ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर है। इसके अंदर हमने मेटेलिक के साथ एक ब्राउन कलर, यूनिवर्सल फैब्रिक है, हर किसी के डेकोर के साथ सूट करता है। किसी भी घर में आप ले लीजिए, वेदर बैकग्राउंड वाइट हो, ऑफ वाइट हो, हर एक के साथ ये सूट करेगा। बट अब इसको एक बेसिक से थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए हमने क्या किया, साइड टेबल की हाइट पूरी बढ़ा दी है। साइड टेबल को मेटेलिक गोल्ड पॉलिश किया हुआ सर, उसको भी फिर अगेन PU डाल दिया गया है, थोड़ी सी कार्ब लैग दी है डिफरेंट, और बहुत अच्छा इसको बना दिया गया। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे मोहित जी, जरा वो साइड जो आर्ट ऑब्जेक्ट है वो प्लीज हटा दीजिए। यस सर, क्योंकि वो उसके साथ जा नहीं रहा है। yes, और ये थोड़ा सा रॉयल एंड हाई ग्लॉस फिनिश में है। yes, राइट? Yes, बहुत अच्छा बनाया है ये, वेरी नाइस। इसके अंदर भी, साइड टेबल के अंदर भी अगर हम देखेंगे, जैसे बेड के हेडबोर्ड के अंदर हमने लूवर्स का डिजाइन दिया है, सेम चीज हमने साइड टेबल के अंदर भी उसको फॉलो कर लिया है सर, लूवर्स का ही डिजाइन दिखेगा आपको। जी, ये जनरली MDF में क्रिएट किया जाता है। यस सर, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है ये। ये हमारी जो स्ट्राइप्स हमने यहाँ क्रिएट की, इंटरेस्टिंग पैटर्न क्रिएट करती है मेटल का। यस सर। बेड में कहाँ है? बेड में सारे हेडबोर्ड के अंदर पूरा लगा हुआ है सर। अच्छा, वो मेटल का? यस सर, मेटल को मेटल से कोऑर्डिनेट किया गया है कि कोई चीज भी ऑड एंड आउट ना लगे। अदरवाइज थोड़ा क्रोम फिनिश एंड गोल्ड फिनिश थोड़ा ऑपोजिट जाते हैं। यस सर, बट थोड़ा ओवरऑल लुक देखी गई है कि ब्राउन के साथ गोल्डन, गोल्डन के साथ अगेन गोल्डन, वो सारी एक मर्जिंग फैमिली सी हो जाती है। थोड़ा सा एक एनहांसिंग पार्ट इसको कर दिया, ब्राउन के साथ क्रोम एंड देन गोल्ड के साथ क्रोम, तो ओवरऑल ब्यूटीफुल बेड हो गया फिर ये। ओके, ठीक है। आई थिंक दिस विल बी लाइक्ड बाय पीपल, दोज हु लाइक, दोज हु हैव कॉम्पैक्ट स्पेस। यस सर। और दे डोंट वांट टू मेक इट लुक वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक या ओवरफिल्ड या टू बिजी स्पेस, क्योंकि जो वर्टिकल लाइंस जितनी भी है ना, जी 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 सर, दे विल नॉट गिव द इंप्रेशन ऑफ अ लार्ज साइज ऑफ बेड। यस यस सर, यस। ऐसा लगेगा कि मतलब बेड है, रिच बेड है, रॉयल है, बट एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा लाउड नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, अच्छा है ये। ये कॉन्सेप्ट ही यही है कि लुक वाइज रॉयल और देखने में बहुत अच्छा सुंदर बेड है, और वैसे बेसिक बेड है सर। ठीक है। एक चीज और मुझे, ये कलर ना, ये जो फैब्रिक आपने बनाया है, ये इसका मतलब, हम लोग तो जनरली बात करते हैं ऐसे ही, इसका ना सोफा बहुत अच्छा बनता है कलर का। ओके, दिस सोफा गोज वेरी वेल इफ यू वांट टू क्रिएट अमेरिकन थोड़ा सा लेविश लाइफस्टाइल का, जो आजकल नहीं आप देखते हैं, जो वेब सीरीज में जनरली लोग देखते हैं। ओके, आप एक स्कैंडिनेवियन थीम में बना रहे हैं, मिनिमलिस्ट में बना रहे हैं, या फिर आप एक ऐसा थीम क्रिएट कर रहे हैं अपने घर में जहाँ पे आप थोड़ा सा अमेरिकन स्टाइल का रखते हैं। ओके, है ना, जहाँ पे आप रिवर क्रॉस सोफाज लगाते हैं, हैवी बल्कि सोफाज। बिल्कुल, तो ये डार्क माउस कलर है, ये बहुत अच्छा दिखता है। ओके, ये बहुत अच्छा कलर है। इनफैक्ट मैं बताऊँ, ये कलर मेरे फेवरेट कलर्स में से है। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, इसका सोफा बहुत प्यारा दिखेगा। ओके, इसके साथ में इसका ऑटोमन भी बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर। ओके, प्लीज ट्राई दिस, अगर आपको कभी मौका मिले डेफिनेटली सोफा ट्राई करिए, बहुत अच्छा बनेगा ये सर। ठीक है, आई विल मेक इट फॉर माई स्टोर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, सो बात कर रहे थे हम लोग इसके प्राइस की। प्राइस? यस सर जी।
The price is 52,000 inclusive of side table and inclusive of two side lamps also, sir. अच्छा ठीक है. लैम्प्स का भी बता दें क्विकली. लैम्प्स के बारे में भी लोग जानना चाहेंगे कि इनमें कलर वेरिएशन है. यस सर. आप इनको कलर डिफरेंट कलर्स में कर सकते हैं. डिफरेंट कलर्स में हम कर सकते हैं सर. ठीक है. व्हाइट है, वार्म व्हाइट है एंड ब्लू है. एंड ब्लू है. यस. ठीक है. ओके. आइडिया इज टू शूट ओवरऑल एक बार दिखा दें हमारे पास और क्या क्या है. इस बीच जो विजुअल आप देख रहे हैं, विजुअल आप बेड्स देख रहे हैं, ये भी अवेलेबल है. प्राइस आप पूछ लीजिएगा क्योंकि वीडियो की एंडिंग हो रही है, तो आपसे पूछना चाहेंगे ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल फॉर पैन इंडिया डिलीवरी. यस सर. एंड क्या पेमेंट रखते हैं हम लोग, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है हमारी. पेमेंट 50% हम लोग एडवांस लेते हैं सर बुकिंग के टाइम पे. अच्छा. एंड 50% पेमेंट बिफोर डिस्पैचिंग सर. ओके. अगर कोई कस्टमर हमारे स्टोर पे आके विजिट करना चाहता है, देखना चाहता है, अपने फाइनल प्रोडक्ट को डिलीवरी से पहले देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उसके बाद हम उसको डिलीवर करवाएंगे सर. ओके जी सर. ठीक है, डन. सो वी आर डन विद दिस पार्ट नाउ. वी विल चेक आउट सम सोफाज. यस सर. राइट. ओके.